सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे हम अपने फ्री सिग्नल्स अपलोड करते हैं, प्लीज़ इसको चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हेलो गाइज, आज जो BTC का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 22,625.76 डॉलर के करीब, ठीक है। 0.77% मार्केट आज डाउन है, ठीक है, अगर 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो, ठीक ठीक है। और जो BTC का डोमिनेंस है वो है 41.46% के करीब, ठीक है, ऑल ओवर द क्रिप्टो मार्केट। और इथेरियम का जो आज प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1602.87 डॉलर्स के करीब, ठीक है। इथेरियम की मार्केट आज बुलिश में ही है, ठीक है, 1.88% का एक 24 आवर्स में हमें अच्छा खासा बुलिश मूव दिखा है। जो डोमिनेंस है इसका वो 18.71% है इथेरियम का, ठीक है। BNB का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 262.84 डॉलर के करीब। जो BNB की मार्केट है वो आज बेरिश में है, ठीक है, 2.98% इसका प्राइस चल रहा है। ADA का जो आज मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.5163 डॉलर्स के करीब, 5.38% का हमें इसमें बुलिश मूव देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस जो है 1.68% का दिख रहा है। DFI की बात करी जाए, जो हमारे मेजर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एक अच्छा खासा बुलिश में देखने को मिल रहा है और थोड़े बेरिश में भी देखने को मिल रहे हैं। मीम्स कॉइन की बात करी जाए तो डॉज और शिप दोनों ही अच्छे खासे बेरिश में है, ठीक है, बेयर लोग ज़्यादा हावी हो रखे हैं। डोज का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.06839 डॉलर्स के करीब। और शिबा इनू के जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.00001172 के करीब। जो दोनों का डोमिनेंस है वो मार्केट में 0.82% गिरा हुआ है और डॉज का जो है 0.87% है, ठीक है। अब बात करी जाए सेंट्रल एक्सचेंज की तो लियो का प्राइस चल रहा है 5.22 डॉलर्स के करीब, FTT 29.11%, CRO 0.1291%। तो इसमें देखा जाए तो ऑल ओवर जो मार्केट है हमारी बेरिश में ही है। NFTs में भी साइडवेज में ही है मार्केट, कुछ NFTs हमारी ऊपर है और कुछ थोड़ी डाउन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे और आज करते हैं कुछ चार्ट एनालिसिस कुछ 5 कॉइंस का, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर ट्रेडिंग चार्ट पे। ओके, सो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं BTC USDT परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड का चार्ट पे, ठीक है, फ्यूचर का चार्ट है ये। तो सबसे पहले हम बात करी जाए BTC का, जो कल से प्राइस चल रहा है थोड़ा सा अप हुआ है, ठीक है, थोड़ा बुलिश हुई है मार्केट कल से हमारी। 24 से देखा जाए तो समथिंग अच्छा खासा मूव दिखा है हमें मार्केट में 3 से 4% का। लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है प्रेजेंट में 3 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर कंसोलिडेशन बन रहा है, ठीक है, और ये एक बॉक्स के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो बॉक्स में घूमने के बाद अगर ये रिवर्सल देता है, रिवर्सल के बाद रीटेस्ट के बाद एंट्री लेना, और अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट लेके एंट्री करना इसमें बिटकॉइन में। ओके, तो इसमें अभी ट्रेंड रिवर्सल कल देखने को तो मिला है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन का वेट होने दो, वेट होने के बाद ही इसमें एंट्री लेना, ठीक है। पोजीशन साइज मैनेज रखना, रिस्क मैनेज करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है, पोजीशन साइज निकाल के ही ट्रेड करना है इसमें, ठीक है, वो भी हर ट्रेड में। अगर ब्रेकआउट है तो 1:1, 1:2, 1:3 या 1:4 रख सकते हो, और अगर रिवर्सल है तो 1:1 या फिर 1:0.5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सक्सेस रेट होना चाहिए, विन रेट जो होना चाहिए वो 75% होना चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो सक्सेसफुली, ठीक है। ये हो गई हमारी बिटकॉइन की बात। अब हम करते हैं इथेरियम USDT परपेचुअल फ्यूचर चार्ट्स की बात, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा इथेरियम का चार्ट है। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हो कल से एक 24 से एक बुलिश मूव देखा है हमें, ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूव है ये। अराउंड मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा मूव है, 8% मूव दिखा है दोस्तों कल से हमें मार्केट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेट होगी, कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ये बॉक्स से ब्रेकआउट हो जाती है तो रिवर्सल आने के चांसेस है, ठीक है, रिवर्सल आने के बाद रीटेस्ट पर एंट्री करना, और अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो ऊपर आ जाता है, बुल मार्केट हावी हो जाती है, ठीक है, इथेरियम पे भी और पूरी, हाँ, इथेरियम पे भी। तो इसमें ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट का वेट करना, जब सक्सेसफुली रीटेस्ट हो जाए तब इसके अंदर एंट्री लेना, ठीक है, टारगेट बनाना 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है, इससे बड़ा तो नहीं बना सकते। तो
और क्या पता बन जाए दोस्तों। तो इसमें अभी रिवर्सल है, अगर रिवर्सल आता है तो रीटेस्ट भी ले सकते हो। रीटेस्ट के बाद छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट बना के। तो ये हो गई इथेरियम के बाद। तो दोस्तों जो हमारा अगला जो कोइन है उसका नाम है XRP USDT परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड्स का चार्ट, ठीक है। तो इसमें भी कल हमें अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिला है अराउंड 3-4% का। तो अभी इसमें क्या एक बॉक्स, इसकी जो रेंज है, प्राइस की रेंज है, एक बॉक्स में मूव कर रही है, ठीक है। इसको हम कंसोलिडेशन ही बोलेंगे। तो अगर ये 0.3606 के नीचे आ जाता है प्लस रिवर्सल आ जाता है और रीटेस्ट दे देता है सक्सेसफुली, तो हम इसमें छोटा ट्रेड बुक करेंगे। और नहीं तो अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो रीटेस्ट के बाद ही एंट्री लेंगे और बड़ा सा ट्रेड बनाएंगे। विनिंग साइज तो 75% होगी और जो हमारा ट्रेडिंग वो होगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 भी हो सकता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मार्केट के उस ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि क्या आने वाले टाइम पे क्या ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। जो हमारा अगला कॉइन है उसका नाम है शिब यूनो USDT परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड्स का चार्ट, ठीक है। तो इस पर अभी इसमें भी कल हमें अराउंड समथिंग 8-9% का मूव देखने को मिला है, ठीक है, कल रात से ही। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में जा रही है और ये एक अप ट्रेंड में ही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या पता शिबा इनू की मार्केट अभी ट्रेंड रिवर्सल ना ले, नहीं तो अगर ट्रेंड रिवर्सल देती है तो इसमें रिवर्सल के बाद रीटेस्ट के बाद एंट्री लेंगे, और अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे। जब सक्सेसफुली रीटेस्ट आ जाएगा इसमें तो इसमें हम ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रखेंगे 1:1 या 1:2, 1:3 भी रख सकते हैं या 1:4 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंसोलिडेशन फेज में। तो दोस्तों मैं कुछ कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे शेयर्स करता रहता हूँ, ठीक है, चार्ट एनालिसिस के। तो आप उन टेलीग्राम को चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और अब हमारा जो अगला कोइन है उसका नाम है डोज USDT, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड्स का चार्ट है ये। तो दोस्तों इसमें भी कल हमें 9-8% का मूव देखने को मिला था डोज कोइन में कल रात से, ठीक है। तो अब ये कंसोलिडेशन बना रहा है, लेकिन डोज का देखा जाए तो ये थोड़ा सा रिवर्सल ब्रेकआउट दे चुका है। अगर जो कैंडल है दोस्तों ये रीटेस्ट दे देती है सक्सेसफुली तो हम डोज कॉइन में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर डोज कॉइन में रीटेस्ट आ जाता है सक्सेसफुली तो छोटे छोटे टारगेट बुक करना, ठीक है, और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो रीटेस्ट का वेट करना, देन एंट्री कर लेना इसमें, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट पे आ जाता है तो बड़े टारगेट रखना 1:1, 1:2, 1:3 या 1:4, ठीक है। विनिंग साइज पता ही है 75% रहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डोज कॉइन में एंट्री का टाइम बन चुका है, ठीक है। तो अगर ये रीटेस्ट कर देता है अराउंड यहाँ पे आके 0.06851 पे, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कैंडल क्लोज होने का वेट रखना, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज है और रीटेस्ट भी आ जाता है देन इसमें एंट्री कर लेना, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा बिगनर्स लोगों को ये चैनल को शेयर करवाओ ताकि वो प्रॉफिट बना सके, ठीक है अपना। और बस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।